गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज मैं आप लोग को बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बुक पढ़ाना था। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है कि हमने क्या है कि हमको जो है कि ईवीएस का, ये देखिए आप अपनी बुक देख लीजिए, आज ये बुक है नेचर्स मैजिक, इसमें जो है क्लास फोर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर टू अवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का पहला पार्ट हमने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इनका वर्क क्या क्या है। तो हमने जैसा कि बताया कि जो भी सेंस ऑर्गन है, बेटे आप लोगों को किताब दिखाई दे रहा है पूरे अच्छे से, आई थिंक अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो रुकिए मैं वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी चेक कर लूँ कि वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, इस चीज़ों को थोड़ा सा मैं देख लूँ। हाँ बेटा, ये हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्लियर, आप लोग को पढ़ाया जाए, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पढ़ाया जाए, ठीक। तो आवर सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा हमने, जाना कि हमारा सेंस ऑर्गन क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है बच्चे। इसमें क्या करना है कि सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन हमारे पांच टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, आप जानिए कि हमारे पांच टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? हमारे आइज, हमारा ईयर है, हमारे नोज है, ठीक है, और क्या, हमारा स्किन है, ठीक है, और क्या है, हमारा टंग है। ये पांच टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको सेंस करके बताना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है बच्चे। एक सेकंड बच्चे, ठीक ठीक है बेटा, आप लोग को दिखाई दे रहा है, आई थिंक क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेटा इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो स्किन क्या करता है, किस चीज़ को फील कर सकता है, स्किन क्या कर सकता है, हमारे टच को फील कर सकता है, मैंने बताया था टच को फील करता है, जैसा छू किसी भी स्किन पे से टच करो तो पता चलेगा यहाँ पर कोई टच कर रहा है, यहाँ कोई टच कर रहा है पता चल रहा है। तो स्किन जो है टच को फील कर सकता है, ठीक है। प्रेशर को फील कर सकता है तुम्हारे, कि कितना प्रेशर, कितना तेज़ी से इसको दबाया जा रहा है कहीं पर भी, उसको फील कर सकता है स्किन। टेम्परेचर को फील कर सकता है, किसी चीज़ को छूओ तो पता चलेगा गर्म है या ठंडा है, ये क्या है कि स्किन का काम है, ठीक है, सेंस ऑर्गन का काम है। आइज़ क्या होता है, आइज़ जो लाइट को देखती है, लाइट की वजह से ये आँखें हमारी देख पाती हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा ईयर से, ईयर से साउंड को सुन सकता है, बैलेंस में भी काम करता है, ठीक है, साउंड जो आती है कानों द्वारा सुना जाता है। नोज़ क्या है, नोज़ स्मेल को पहचानता है कि स्मेल गुड है या बैड है। टंग क्या है, टंग हमारा टेस्ट को पहचानता है कि टेस्ट जो है कि कैसा है, ठीक है, खट्टा मीठा है, तीता तीखा है, ठीक है, नमकीन है, जो भी टेस्ट है उसको पहचानता है, ठीक है बच्चे। तो ये सारे पाँच सेंस ऑर्गन है, कौन कौन से तुम्हारे सेंस ऑर्गन है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। आज आपको पढ़ना है सेंस ऑफ टच के बारे में। सेंस ऑफ टच क्या होता है बेटा, कि आवर स्किन हेल्प अस टू, देखो ये पहले स्किन है, आप बेटा कहो कि ये कैसा स्किन है। बेटा ये स्किन के नीचे का पार्ट है, बहुत बड़े फिगर में इसको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। स्किन के नीचे क्या क्या होता है, देखो स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि देखोगे तुम्हारे भी छोटे छोटे बाल जो हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है छोटे छोटे बाल होंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो बाल जो निकले होते हैं, अब देखो उसके अंदर तक गहराई ऐसे होती है, ठीक है। इस बाल में ये देखो ये सारे नर्व्स जा रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नर्व्स हैं, ये देखो वेन्स है, देखो रेड वाला जो है आर्टरीज हैं तुम्हारी स्किन में जा रही हैं, और ये ब्लू वाले तुम्हारे वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन्स के बारे में पता है ना बेटा, ठीक है। ये क्या है, नर्व सेल है। ग्रीन वाले देखो ये नर्व सेल है। नर्व सेल क्या करता है, सिग्नल को भेजता है स्किन पे, कोई भी टच करता है, गर्मी ठंडा जो भी महसूस होता है, नर्व्स क्या होता है, सिग्नल्स को भेजता है तुम्हारे ब्रेन तक। ब्रेन पहचानता है कि गर्म है ठंडा है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो सेंस ऑफ टच जो तुम्हारा टॉपिक है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। आवर स्किन हेल्प अस टू फील एंड टच, हमारा स्किन हमें मदद करता है ये फील करने में, फील और टच करने, मतलब क्या है, टच को फील करने में मदद करता है कि कैसा महसूस हो रहा है, किसका छूने में कैसा महसूस हो रहा है, ठंडा है गर्म है, ठीक है। वाइल एंड अदर फोर सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, द सेंस ऑफ टच इज ऑल ओवर आवर बॉडी। देखो क्या होता है कि अदर से फोर सेंस ऑर्गन, मतलब अदर फोर सेंस ऑर्गन किसकी बात कर रहा है, तुम्हारे आइज की बात कर रहा है, तुम्हारे नोज की बात कर रहा है, तुम्हारे टंग की बात कर रहा है, तुम्हारे ईयर की बात कर रहा है। तो ये जो चार चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड है। नाक तुम्हारा, तुम्हें पता है नाक तुम्हारे चेहरे पर, ऐसा था नहीं कि पेट पर तुम्हारे नाक बना हुआ है, नहीं ना, तो फिक्स बना हुआ है कि चेहरे पर तुम्हारे नाक है, तुम्हारे चेहरे पर ऊपर में आँख है, दो आँखें हैं,
तुम्हारे सिर के बगल में दोनों साइड कान है, फिक्स जगह पे बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा स्किन जो है ना बेटा वो ऐसा नहीं कि किसी फिक्स जगह पे, स्किन जो है पूरे बॉडी पार्ट पे तुम्हारी स्किन है, ठीक है, तुम्हारी चमड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, ठीक ये कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि और सेंस ऑफ टच स्टार्ट एट द बॉटम लेयर, हमारा सेंस ऑफ टच जो है कि वो बॉटम लेयर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑफ आवर स्किन, द बॉटम लेयर ऑफ स्किन इज फिल्ड विथ मेनी टाइनी नर्व्स एंडिंग। देखो सेंस ऑफ टच क्या है कि हमारे बॉटम लेयर, ये जो नीचे के लेयर से यहाँ से सेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत सारे नर्व एंडिंग मतलब नर्व यहाँ पे आकर, ठीक है, यहाँ देखो एक्चुअली देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये देखो ये जो बेटा कि ये जो स्किन है, स्किन का बॉटम ये होगा, ठीक है, बॉटम ये होगा तो यहाँ पे बहुत सारे नर्व आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नर्व यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि तुम्हारे पहचाने की सिग्नल है कि नहीं। और सेंस ऑफ टच बॉटम लेयर ऑफ स्किन से स्टार्ट होगा, द बॉटम लेयर ऑफ स्किन इज फिल्ड विथ मेनी टाइनी नर्व एंडिंग, ये बॉटम लेयर क्या बहुत छोटे छोटे नर्व एंडिंग से मिलकर बना हुआ है, विथ विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आता है, किसी भी कॉन्टैक्ट में आता है, कोई भी इसको छूता है, ये स्किन के ऊपर का खाल है, ये देखो इसको ढक दो, ये स्किन के ऊपर खाल है, छूता है तो पता चलता है गर्म गर्म है या ठंडा है। दे डू दिस बाय कैरिंग मैसेज टू द ब्रेन, ये कैसे पहचानते हैं गर्म है या ठंडा है, ये क्या करते हैं कि जैसे ही तुम इसको टच करते हो तुम्हें स्किन को, तो क्या होता है, ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल जो है कि सिग्नल जो है कि तुम्हारे ब्रेन तक भेजता है, तुम्हें मैंने बताया हुआ है नर्वस सिस्टम में कि नर्व सेल क्या करता है, तुम्हारे अदर बॉडी पार्ट से सिग्नल उठा कर तुम्हारे ब्रेन तक भेजता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा तुमने कि सो इफ वी टच समथिंग क्विकली, ठीक है, और ब्रेन टेल्स आवर हैंड टू मूव अवे फ्रॉम डेंजर, अगर हम कोई ऐसी चीज़ों को छू लेते हैं जैसे लगता है कि वो खतरनाक हो, सही नहीं है, या फिर वो टेम्परेचर में बहुत अधिक है या बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो हमारा ब्रेन जो है तुरंत ये नर्व्स तुरंत सिग्नल तुरंत भेजेगा तुम्हारे ब्रेन तक, ऐसे ऐसे ये बिजली के तार की तरह करंट तुम्हारे ब्रेन तक जाएगा कि क्या नाम है कि ये चीज़ें ठंडी है गर्म है, तुरंत उस चीज़ को हाथ हटा लेते हो। देखो तुम्हें बताता हूँ, ये बेटा नर्वस सिस्टम पढ़े तो ये देखो नर्वस सिस्टम का फिगर देखो, ये वाला फिगर, ये नर्व्स है ना, ये स्किन के ऊपर जब कुछ भी होता है ठंडा गर्म जो भी चीज़ें महसूस होता है तो ये नर्व सेल ऐसे ऐसे जो है कि ये नर्व सेल क्या है, स्किन के ऊपर कुछ भी महसूस होता है तो ये नर्व सेल ऐसे ऐसे तुरंत सिग्नल भेजता है तुम्हारे ब्रेन तक, और ब्रेन बताता है कि ठंडा है गर्म है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये स्किन पर नर्व सेल लगे होते हैं, यही नर्व सेल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे जी, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ बॉडी आर मोर सेंसिटिव देन अदर बिकॉज नर्व एंडिंग, देखो कुछ बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं, वहाँ जरा से भी छू तो पता चल जाएगा, जैसे आँख, आँख पे हल्की सी भी चोट लग जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक, तो क्यों नर्व एंडिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे नर्व्स, जितना ज़्यादा नर्व्स होता है उतना ज़्यादा सिग्नल भेजेगा तुम्हें, सीधी सी बात है। हैव यू एवर बिटन योर टंग एंड वंडर व्हाई इज हर्ट सो मच, देखो क्या होता है कि तुम अपनी जीभ को थोड़ा सा काटो, जैसे ही तुम अपनी जीभ को काटोगे तो पता चलेगा थोड़ा सा भी काटोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्यों दर्द होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब नर्व एंडिंग होते हैं, क्योंकि इट इज़ बिकॉज साइड ऑफ योर टंग हैव ए नंबर ऑफ नर्व एंडिंग दैट इज वेरी सेंसिटिव टू पेन, योर फिंगर टिप आल्सो वेरी सेंसिटिव, क्या है कि क्या होता है कि ये जो जीभ होता है तुम्हारा वो बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी चीज़ हल्का सा गर्म ठंडा तुरंत महसूस कर लेता है, इसीलिए वहाँ दर्द होता है, थोड़ा सा भी दांत से काट दो तो तुरंत दर्द होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा इसमें नर्व्स लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या होता है कि तुम्हारा जो फिंगर टिप है, ये फिंगर के जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी सेंसिटिव होता है, किसी चीज़ ठंडा गर्म किसी चीज़ को छू हो ये ऊपर वाला टर्म है तुरंत पकड़ लेता है कि ठंडा है गर्म है कैसा, क्यों कि यहाँ भी नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चीज़ें आती हैं कि गुड और बैड टच की बात बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा, गुड या बैड टच, पीपुल टच इन डिफरेंट वेज, सम पीपुल टचेज मेक्स यू फील नाइस, जो है अलग अलग तरह के लोग जो है अलग अलग तरीके से टच करते हैं, किसी का टच बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्म लगता है, वार्म एंड कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होता है, सच टच इज कॉल्ड गुड टच, ऐसे टच को हम कहेंगे गुड टच, ठीक है। और सम टाइम्स ए टच कैन आल्सो मेक यू फील अनकंफर्टेबल, फियरफुल, अनसेफ, कुछ ऐसा टच होता है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा या फिर तुम्हें डर लगेगा उसके छूने से, तो ये सारे टच क्या कहलाते हैं, बैड टच कहलाते हैं। इसके बारे में बेटा मैं कल आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि बाकी जो चीज़ें क्या है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल आप लोग को पढ़ाऊँगा मैं बोर्ड पर अच्छे से, ठीक है, टेंशन ना लें, ठीक है, चलो अच्छा बच्चे, इन सारी चीज़ों को केवल समझ लो, आज तुम्हारा काम है केवल समझने का, ठीक है,
और मैं बुक की तुम्हें पिक्चर जो है कि फोटो खींच खींच के शेयर कर दूंगा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल बच्चे, चलो बंद करते हैं क्लास, ठीक है, ओवर।